Say again. High five. Yes. Now keep quiet. Please. नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं जबल अली टेम्पल। यहाँ दुबई में दो टेम्पल हैं, एक ओल्ड टेम्पल जो कि बर दुबई में है और लास्ट ईयर एक नया टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। तो चलिए आज हम जो नया टेम्पल है जबल अली में वहाँ चलते हैं और बहुत ही सुंदर टेम्पल बना है। और एक बात बताती हूँ, डे टाइम और नाइट टाइम दो अलग अलग टाइम पे हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि आपको पता चले कि नाइट व्यू जो टेम्पल का है आउटसाइड से वो कैसा है और डे टाइम में भी कैसा इसका लुक है। तो चलिए हमारे साथ जेवल। पंद्रह मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं जबल अली टेम्पल और टेम्पल के अंदर बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा है। बेसमेंट में पार्किंग है, साथ ही बाहर भी आप कार पार्क कर सकते हो। अगर आपने नई कार खरीदी है तो बेसमेंट में आप कार पार्क करके फिर फर्स्ट फ्लोर में कूपन मिलता है पूजा का, वो ले सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है। मंदिर के बारे में जानकारी या फिर मंदिर में कौन कौन सी पूजाएं कब हो सकती हैं, उनका प्राइस क्या है और वहाँ पे अंदर कम्युनिटी हॉल है तो उस हॉल में आप किस तरह से बुक कर सकते हो, ये सब जानकारी जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मंदिर के इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में कम्युनिटी हॉल है, अगर आपको कोई प्राइवेट फंक्शन कराना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मंदिर में अंदर आने के बाद सबसे पहले हमने अपने हाथ पैर धोए, इसके बाद हम मेन हॉल की तरफ जाएंगे जो कि फर्स्ट फ्लोर में है जहाँ पे भगवान की स्थापना की गई है। मंदिर के अंदर एलिवेटर की व्यवस्था भी है। फर्स्ट फ्लोर में आने के बाद आपको यहाँ पे ये एक स्टॉल मिल जाएगा जहाँ से आप अंदर अगर आपको पूजा करवानी है तो वो कूपन आप ले सकते हो वहाँ से। और देखिए भव्य मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है और मूर्तियाँ तो आप क्या मैं बोलूँ, जब तक आप अपने आँखों से ये मंदिर नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। ये सारी मूर्तियाँ इंडिया जयपुर से आई हुई हैं। अगर आप दुबई में रहते हो और अभी तक मंदिर के दर्शन नहीं किए तो एक बार ज़रूर आप यहाँ आइए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। आज एक बहुत अच्छी बात हुई, हमने यहाँ से डेली प्रेयर्स की ये एक बुक ली। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फ़ोन नंबर दिया है, उस फ़ोन नंबर में आप इस बुक को बुक कर सकते हो। इसका प्राइस है 630 दिरहम्स इंक्लूडिंग टैक्स। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये वीडियो हमने दो पार्ट में किया है, एक दिन में हमने दर्शन किया था वो आपको दिखाया, अभी हम रात को दर्शन करने आए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे क्योंकि रात का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है दिन के व्यू के कंपैरिजन में। इस मंदिर को बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है, साथ ही इसमें हमारी संस्कृति का पूरा ध्यान भी रखा गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट टेंपल है। सुबह 6 बजे ये मंदिर खुल जाता है और शाम को 8:30 बजे तक खुला रहता है।
हर दिन इवनिंग आती 7:30 बजे होती है। अगर आप 8:30 बजे तक मंदिर में हो तो आपको यहाँ पर जो भगवान को चढ़ाई हुई मालाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, आज मुझे भोलेनाथ को चढ़ाई हुई ये माला मिली है। एक और इंटरेस्टिंग बात है इस मंदिर की, मंदिर के सामने चर्च है और पास ही में गुरुद्वारा है। दोस्तों, आपको हमारा ये मंदिर का वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।